अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मावरा हुसैन और मैं जिमेल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूं फ्रॉम ड्रामा सीरियल नीम। अगर आप नीम के एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हम टीवीज़ यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। किससे शादी करना चाहते हो? जिमेल से। जिमेल, तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई? तुम्हारी जबान पे उसका नाम भी आया। क्यों मामा, इसमें ऐसी क्या अनहोनी बात है? मेरे इतने साल इंतजार के बाद उसका नाम तुम्हारी जुबान पे आया। मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। मैं जिमेल रियासत आज आप लोगों से एज अ स्टूडेंट बात करने आई हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह यूनिफॉर्म पहने, अपने जहन में हज़ारों सवाल लिए, किसी बाहर से आने वाले की स्पीच के लिए एक्साइटेड रहती थी। आज इस हॉल में मौजूद सारी बच्चियाँ शायद 15 या 16 साल से लेकर 20-25 साल तक की उम्र की ब्रैकेट में होंगी। ये वो एज ग्रुप है जिसके लोग अपने मुल्क का मुस्तकबिल डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप लोगों में से ही फ्यूचर के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट होंगे। माशरे के तमाम लोग जैसे आप और मैं, सब किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक शख्स की बुरी तरबियत पूरे माशरे में बिगाड़ पैदा कर सकती है। अगर हम देखें तो किसी ट्रैफिक जाम में जब बहुत सी गाड़ियाँ फंसी होती हैं, उसमें सबका कसूर नहीं होता, वो भी किसी एक इंसान के गलत पार्क करने की वजह से। एक इंसान की गलती की कीमत कई लोग अदा करते हैं। इसी तरह किसी एक शख्स की अच्छाई नस्लों तक जारी रहती है। ईदी साहब के बारे में हम सब जानते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अच्छाई अब भी इंसानियत की खिदमत कर रही है। ये हो गई बात मुआशरे की। अब बात करते हैं अपनी। जब हमें कोई जिस्मानी बीमारी होती है, जैसे बुखार, हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि हम उसका इलाज ढूंढना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है रूहानी बीमारियों की, तो हम उस पर इतनी तवज्जो क्यों नहीं देते? हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना होगा उन रूहानी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, जैसे झूठ, हसद, बुग़्ज़, कीना। वो तमाम बीमारियां जिनके बारे में हम बचपन में किताबों में पढ़ते हैं, बड़े होकर उन्हें कोई अहमियत ही नहीं देते। अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद को हकूकुल्लाह से ज़्यादा अहमियत दी है, लेकिन पता नहीं क्यों हम इंसानों के हक अदा ही नहीं करते। एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत नहीं करता, किसी शख्स से गलती हो जाए तो दरगुजर नहीं करता। हम जब किसी स्कूल में दाखिल होते हैं तो पहले या दूसरे दिन हमें यह बताया जाता है, या किसी दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, सफाई निस्तेमान। हम उसको पढ़ते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। ज़िंदगी में तो बहुत दूर की बात, अपने स्कूल की चार दीवारी में भी हम सफाई को निस्तेमान नहीं समझते। अब बात करते हैं हमारे मुल्क की। हमारे मुल्क को इस वक्त हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन की अशद ज़रूरत है। हमारा मुल्क दुनिया भर